हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जाहिद जिदरान एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। मैं घर से निकला था कुछ काम के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम मिल गया। मैंने देखा एक 8 से 9 साल का बच्चा दौड़ता हुआ रोड पर जा रहा था, और जब मैंने उससे रोक कर उससे बात करना चाहा तो वो ठीक से बोल नहीं पाता था। तो और मैंने उसके साथ एक छोटी सी हेल्प करने की कोशिश की, जो आप इस वीडियो में देखिए। खिला
बेगाने संसार में कैसे क्या हो जाए, अरमानों का आशियां पल भर में खो जाए, सब पाके यहां सब खोना है, आदमी खिलौना है आदमी। हेलो दोस्तों, जिस बच्चे का मैंने एक छोटा सा हेल्प किया उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन था, कहां से आया था और कहां जा रहा था। तो बच्चे से जब मैं रोक कर उससे बात करना चाहा तो वो ठीक से बोल नहीं पाता था, तो मैं मार्केट में जब गया था तो वहाँ पर उसे कुछ लोग जानते थे, तो उन्होंने मुझे उसके घर का पता बताया और मैं वहाँ से पूछते पूछते उसके घर पे गया। तो वहाँ घर पे सिर्फ उसकी बड़ी माँ थी और माँ से पता चला कि इसकी जो माँ है बच्चे की, वो माँ इस दुनिया में नहीं है और बच्चे का नाम राम भवन है और पिताजी किसी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। मैंने और घर की हालात भी मैंने देखा तो कुछ ठीक नहीं लगा मुझे, तो मैंने अपना नंबर उन्हें दिया और कहा पिताजी जो आएंगे तो मुझे कॉल करेंगे और हमसे जो हो सकेगा इंशाल्लाह उनकी पूरी मदद की जाएगी। मैं घर से जब निकलने लगा तो बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कान था, यकीन मानिए वो हमारे दिल को हिला कर रख दिया था। मैं वो लफ्ज़ों में नहीं बता सकता जो फीलिंग हमारे अंदर हुई। और जो इससे पहले जो मेरा वीडियो था वहीं पर बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और वहीं पर लेकिन कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि भाई आप दाहिने हाथ से दीजिए, बाएं हाथ को खबर ना हो, किसी का वीडियो मत बनाओ। बेशक आपकी बातें सच है, मैं आपकी बातों की कद्र करता हूं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं जो कर रहा हूं बहस एक इसकी टीम बनाकर इसी सिलसिले से इसी जरिए से मैं लोगों तक तो पहुंचना है मुझे, लोगों की मदद करना है और यूट्यूब पर मेरा वीडियो पड़ता है और इससे भी जो मेरा इनकम होगा वो मैं गरीबों में ही दान करूँगा। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया था कि ज़िंदगी क्या है, तो सवाल बहुत ही छोटा लगा मुझे, लेकिन जवाब जब ढूंढने लगा तो उतना ही बड़ा लगा, जवाब मुझे मिल ही नहीं रहा। उसका असल जवाब जो था वो ये था कि सूरज जो है अपनी किरणें कभी अपने ऊपर नहीं मारता और समंदर कभी अपना पानी खुद नहीं पीता और फूल कभी अपनी खुशबू कभी अपने ऊपर नहीं बिखेरता, उसे दूसरे ही ले जाते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। कोई पूछे अगर कि ज़िंदगी क्या है तो बता देना कि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।